हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सुनील। हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर मीटर, ये डिजिटल कांटा होता है, उसे हम रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जीरो आ रहा है, ठीक है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं जीरो आ रहा है, लेकिन इसमें वेट का, यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेट का लोड सेल रहते हैं, वेट सेल रहते हैं, तो यहाँ पे वेट सेल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। देखिए, कितना भी दबाते हैं, कितना भी ज़ोर से दबाते हैं, यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है कि हमारा कितना वेट हमारा एगेन हो रहा है। कुछ इसमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसा कि देखिए, हम इसको ऑफ़ कर दिया, ठीक है, हमने ऑफ़ करने के बाद अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन किया और ये आराम से जीरो जीरो हो गया, ठीक है। और इसमें कितना भी हम दबाते हैं, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इसका कोई हरकत नहीं हो रहा है। थोड़ा भी वेट, लोड सेल बिल्कुल भी लोड नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे इसको हम ओपन कर लिए हुए, खोले हुए हैं, इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ क्या क्या इसमें सामान है। एक ट्रांसफार्मर है, एक यहाँ ये बैटरी चार्जिंग के 6 वोल्ट की बैटरी लगा हुआ है, और ये 10 वोल्ट 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर होते हैं यहाँ पे डीसी। और यहाँ पे मैं बता दूँ इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट, यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर के वायर वहाँ पे लगे हुए थे, वो भी हमने निकाल लिया। बहुत सारा मैंने चेक किया, लेकिन मुझे प्रॉब्लम पता चल गया कि इसमें दिक्कत कहाँ से है। तो यहाँ पे मैंने 2 वायर हटा दिए हुए, और यहाँ पे एक छोटा सा डाइबोर्ड लगा हुआ है। डाइबोर्ड का काम ये होता है कि यहाँ से डायरेक्ट 10 वोल्ट बनाता है, और यहाँ से यहाँ बैटरी चार्जिंग करके, ये डीसी करंट करके यहाँ पे बैटरी चार्जिंग होता है। तो यहाँ पे आपको 10 वोल्ट के लगभग मिल जाएगा। और यहाँ पे एक आईसी भी लगा हुआ है 5 वोल्ट के लिए, 7805। यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर आईसी लगा हुआ है 7805 का। और यहाँ पे लोड सेल के वायर भी लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने लोड सेल के वायर भी चेक कर लिए, ये वाला, यहाँ पर भी करंट आ रहा है जितना आना चाहिए। जैसा कि मैं चेक करके बता देता हूँ आपको, ऑन कर लेना है आपको, यहाँ पे ऑन कर लेना है, और यहाँ पे डीसी 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को सेट कर लेना है, ठीक है, जैसे कि हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट यहाँ पर आता है। तो ये देख, लोड सेल का 2 वायर तो ग्राउंड होते हैं, यहाँ पे देख सकते, ये वाला वायर और ग्रीन और ब्लैक ग्राउंड होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपको 5 वोल्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है। चल भी रखिए तो बंद करिए, यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये ग्राउंड है हमारा, तो यहाँ से भी आप ग्राउंड ले सकते हैं। ये हीट सिंक लगे हुए 7805 पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी ग्राउंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं तो हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, अभी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे 5 वोल्ट के लपेट में आ रहा है, 9 पॉइंट कुछ कम है, लेकिन 4-5 वोल्ट चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 वोल्ट भी आ रहा है, वो भी हमारा बराबर है। और यहाँ से भी ले सकते हैं ग्राउंड, यहाँ देखिए इस तरफ से भी ग्राउंड ले सकते हैं। ये दोनों ग्राउंड ही है, ये ब्लैक वायर ग्रीन वायर ग्राउंड है, और ये वाइट और रेड है, जो वोल्टेज के 2 वोल्टेज इसमें मिलना चाहिए, जो कि 2.30 वोल्ट के करीब में आ रहा है। और इसमें 4.57 और बैटरी चार्ज नहीं है थोड़ा, इसलिए थोड़ा कम आ रहा है, नहीं तो 5 वोल्ट के लपेट में ये आता है, वो हमारा वोल्टेज ओके है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम ग्राउंड रखते हैं, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिला होगा छोटा सा नीचे नज़दीक, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आईसी में, आईसी के पास रेजिस्टेंस मिला होगा, तो रजिस्टेंस पर भी चेक करेंगे वोल्टेज हम। तो यहाँ पर भी 2.20 के लपेट में आ रहा है डीसी वोल्टेज, तो ये भी हमारा बराबर है, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा वोल्टेज भी बराबर है और ऑन भी हो रहा है, और यहाँ पे लोड सेल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हमारा, जैसे ही दबाते हैं ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो यह प्रॉब्लम हम जान लेते हैं, एक बार हम इसको अगर आपके कांटे में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप,
तो मैंने ये सारे वोल्टेज भी चेक किए थे, पहले भी मैंने चेक किया था, अभी मैं आपको दिखाया हूँ कि कितना कितना वोल्टेज आ रहा है। पहले भी चेक किया, मैं थोड़ा परेशान भी हो गया, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। और यहाँ पे देख सकते हैं चूहा ने क्या हाल किया हुआ है, चूहा कैपेसिटर जो फिल्टर लगे हुए हैं उसको पूरा कटिंग कर दिया हुआ है। लेकिन कैपेसिटर भी मैंने पूरा पलट के देखा, लेकिन कैपेसिटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कि बोर्ड में मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं मिला। तो मुझे आगे चल के यहाँ पे देखिए, यहाँ लोड से लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि वायर चेक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं मिला हमको। तो यहाँ जैसे ही वायर चेक किया, तो यहाँ मैंने मेरा नज़र यहाँ पे गया, देखिए चूहे ने पूरा कटिंग किया हुआ है और इस यहाँ पर भी कटिंग किया हुआ है। ठीक है, मेरा इसका मैं अभी कनेक्शन नहीं किया हुआ है, लेकिन लगभग मुझे यही लगता है, क्योंकि मेरा बोर्ड ओके है, कम्प्लीट है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका यही मतलब है कि ये वायर, एक वायर आपको कटा हुआ दिखने को मिला होगा, यहाँ पे देखिए पतला सा वायर है, नज़दीक कर यहाँ ये लोड सेल के ऊपर देख सकते हैं, ये रेड कलर का वायर है, और यहाँ पे एक वायर बिल्कुल भी मिस लग रहा है। यहाँ पे देखिए एक वायर यहाँ और यहाँ कटिंग है। तो इस प्रकार से हम इसको ज्वाइंट करेंगे और हमारा लगभग 100% प्रॉब्लम यही हो सकता है। ले आ रहा है। तो एक वायर मैंने ले लिया है, अब यही वायर हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे मैंने जम्पर कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने जम्पर लगा दिया है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से इसको कटिंग भी करना है। तो मैंने जम्पर लगा दिया, अब हम इसमें चेक करके देखते हैं कि हमारा एक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रख लिया और इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे करने के बाद हमारा कांटा चालू हो गया है। अब यहाँ पे हम यहाँ लोड सेल पे वज़न रख के देखते हैं। देखिए जैसे उंगली लगाते हैं थोड़ा सा ही वज़न करते हैं, तो यहाँ देखिए कुछ इस प्रकार से आपका मीटर चालू हो गया है और अच्छे से वेट भी कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ से दोस्तों, आपको पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ से था? तो अगर आप भी रिपेयर करना चाहते हैं तो आराम से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। फिर आपसे एक नए वीडियो में मिलेंगे, जब तक ख्याल रखें अपने अपनों के। जय हिंद, वंदे मातरम।